अरे बे बे क्या लड़कियां तो देखेंगी, स्मार्ट भी तो है। वाह भाई बढ़िया यार ओपी। तो हेलो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज जा रहे हैं हम यामा की तरफ से, हमें राइड का ऑफर आया कि भाई राइड पे आ जाओ। तो वहाँ के जो हमारे मैनेजर है विशाल भाई, उनकी तरफ से हमें कॉल आया था कि भाई आना जरूर आप, तो जाना पड़ेगा। और आज शिवरात्रि का पर्व है, हर हर महादेव मेरे भाइयों, हर हर महादेव सभी भाइयों को। और चलते हैं और हमें आपको दिखाना है कि उत्तराखंड में भाई कैसे चलती है भाई तैयारियाँ शिवरात्रि की, वो भी दिखाऊँगा। और आज 18 तारीख है तो निकलते हैं, डेट आप देख ही रहे हो, तो निकलते हैं यहाँ से बूम बाम, पहुँचते हैं सीधा हमारे शोरूम में चल के। सो गाइस यहाँ पे राइडर लोग आ चुके हैं, इनकी खूबसूरती मैं आपको दिखा दूंगा, बट पहले अपनी खूबसूरती दिखा दूँ आपको। सो गाइस यहाँ पे तुम्हारे भाई की बाइक खड़ी हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पे अपनी एमटी खड़ी हो चुकी है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, चलते हैं शोरूम के अंदर। तो हेलो भाई, क्या हाल है भाभी? नमस्कार। नमस्कार कर देता हूँ ना, कैसे हो मालिक? बढ़िया। और फिर लेट लेट हो जाती है, समय नहीं था ना, थोड़ा कहीं और जा रहा था। बढ़िया। और भाई हीरो स्मार्ट गाइस, ये हीरो है भाई। गाइस अब गाड़ी में तो आ चुके हैं हम, निकलने का समय भी हो चुका है। तो गाइस अब निकलने का समय हो चुका है, राइडर्स आ चुके हैं। और इस बार राइडर्स कम क्यों आए, राइडर्स कम आने का रीज़न ये है क्योंकि आज शिवरात्रि है, बहुत बंदे जा रखे हैं, बट हमें मंदिर तो जाना ही है हमको, तो हमने बोला जो राइड भी कर ही लेंगे यार, मंदिर जाना है बहुत ज़रूरी है। सुबह से मैंने नहा धो के अभी तक कुछ खाया वगैरह नहीं है, क्योंकि तो मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, महादेव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, प्रभु की लीला। तो हमारे और भाई लोग भी चल रहे हैं साथ साथ में। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to. So guys, वो रहा हमारा मंदिर, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको शायद, बहुत ऊपर है वो, देखो दो मंदिर दिख रहे हो, दो ये देखो। So guys, इथरना नाथ मंदिर है, वैसे कुछ बोल रहे थे भाई। तो अभी चलेंगे, गाड़ी खड़ी हो रही है, फिर यामा की साइड से मैं तो दूसरे से मंदिर भी जाना है रायपुर में, बट अभी वहाँ पर जाना है, बहुत ऊपर है यार वो, देखो दिख रहा हो शायद, चलें। सो गाइस देखो खूबसूरती काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और ये भाई हमारे साथ प्रो ब्लॉगर, मतलब वीडियोग्राफर बोल सकते हो आप, और ये राइडर्स लोग हैं यहाँ पे, ये मैनेजर भाई हैं। चलो भाई चलते हैं, चलें। अब तो यहाँ से फुल थ्रॉटल पे ही चलने की सोच रहा हूँ। ऐसे भाई अपना रास्ता ही भूल गया, उधर चल गया था, तब भी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे भाई लोग का, ताकि आ जाओ। गाइस हम पहुँच ही गए हैं लगभग लगभग, थोड़ा सा रेस्ट करने के रुके थे यहाँ पे, यहाँ झरना है, सूख गया, गर्मी आ रही है, सूख। गाड़ी तो खूबसूरत लगी, एक ना एक ही गाड़ी लग रही है मुझे ना सबसे अच्छी, एक ही गाड़ी मुझे सबसे अच्छी लग रही है यहाँ पे ना, यही है वो ना खूबसूरत सी, और भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। चलो गाइस अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी कर दी है, और मेरे साथ मेरे ये भाई जुड़ चुके हैं। भाई आपका नाम, शुभ नाम? निखिल। निखिल भाई हमारे जुड़ चुके हैं और चल रहे हैं मंदिर की साइड, मंदिर ये रहा, दर्शन करना बहुत ज़रूरी था, जिस चीज़ के लिए हम आ रहे कहते हैं वहाँ जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो चलते हैं, भाई लोग अपने वहीं पर होंगे, उनसे मिलते हैं और दर्शन वगैरह करते हैं अपने महादेव के, एंड मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। गाइस हम मंदिर में घूम रहे हैं और इसका यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अरे बच्चों क्या कर रहे हो आप? भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे, देख रहे हो इनकी स्मार्टनेस भाई जी, भाई पूरी भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे, देखते हैं कितने टाइम में आते हैं, फटाफट नंबर आ जाए, फिर चलना भी है, घर को लेट हो रही है। मंदिर से आ चुके हैं, दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं, और अब थोड़ा छोटे से ब्रेक के बाद निकलने के लिए सब रेडी हो चुके हैं, रेडी हो रहे हैं, मतलब चलते हैं नीचे गाइस, मिलता है आपको नीचे चल के। अरे ब्रो मंदिर से तो हम आ गए थे और अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेने के रुके हैं, क्योंकि भाई देखो हमने पूजा वगैरह तो कर ली थी तुम्हारे भाई ने, टीका दिख ही रहा होगा, दर्शन वगैरह कर लिए थे प्रभु के, तो यहाँ के भाई लोग रुके हैं, ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं, अपनी बाइक लोग खड़ी, पूरी गंदी हो गई, देखो धूल, मैंने पूरी गाड़ी ना मेरी नई की नहीं थी, चमक रही थी जब मैं गया था, देखो पूरी धूल ही धूल हो गई यार गाड़ी में,
क्या ही बोलूँ मैं, पूरी धूल धूल, घर जाकर धुलनी पड़ेगी। मेरा हेलमेट तक बिल्कुल साफ था, हेलमेट भी गंदा हो गया, जैकेट भी, मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो मैं कितना गंदा हो गया, देखो मेरी पूरी जीन्स से लेकर शूज पूरे ख़राब हो गए। अब यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हमारी चाउमीन आ चुकी है, चाउमीन खा रहे हैं हम, तो अब मिलते हैं आपको चाउमीन चाउमीन खा के। तो गाइस अब निकल रहे हैं, समय हो गया, सारे भाई लोग निकल गए, हम भी चल रहे हैं, समय हो गया है। और व्यू आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया आ रहा है, और घर की साइड तो हम निकल ही रहे हैं, बट आप लोगों को अभी अभी रायपुर का दिखाएंगे कि रायपुर का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि रायपुर में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मेला वगैरह लगता है, भीड़ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वहाँ भी लोग होंगे काफ़ी, अच्छा वहाँ दिखाएंगे आपको कि भाई कैसा रहता है रायपुर का सीन। ये जहाँ भी जाता है मंदिर में जाता है, जाना पड़ता है यार, पूजा भी करता हूँ पाठ भी करता हूँ, कहीं देवता ना हो जाए इसलिए पाप भी करता हूँ भाई। तुमने अभी कांड करवाया था पता है, मेरी मैंने ब्रेक मारी बच्चों के सामने ले गया ना भाई, मेरा यूं यूं रह गया, लहर गया पैर। अरे रे रे, गुड गुड, यही तो चाहिए। अरे अरे इसने अभी कहा मेरा भाई, देख के चलाओ, कितने साल के हो आप, कितने साल के हो, कितने साल के हो आप, 18 साल के हो यार, देख के चलाओ गाड़ी, नीचे आओगे फिर बोलोगे। हाथ नहीं दे रहा था मैं, मतलब आराम से आओ, हाथ दे रहा, हाथ का मतलब, हाथ के बहुत सारे रूल्स होते हैं। हाँ एम्बुलेंस से बच्चा है देख के। अरे मेरे मेरे साथ नहीं हो गया था क्या, वहाँ जब दो कपल जा रहे थे, इस भाई ने वहाँ पे गाड़ी हल्के करी, मैं भी स्पीड में था, मैंने ब्रेक मारा, मेरी स्किट हो गया टायर, ये देख पता चल रहा होगा मेरा पूरा टायर स्किट हो गया था मेरा। अरे नाइस नाइस। तो गाइस अब चल रहे हैं थानो वाले ब्रिज से, समय हो चुका है, भाई लोग निकल चुके, मैं भी निकल रहा हूँ। नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। मालिक आओ, ये लड़की क्यूट लग रही ना, वो लड़की क्यूट लग रही ना। मत कर भाई, छपरी गाइस, छपरी है बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हो आप। क्या लड़कियाँ तो देखेंगी, स्मार्ट भी तो है।